वेलकम आवर चैनल। आज कर रहे हैं यूकेजी का ईबीएस प्रैक्टिस वर्कशीट। आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, करेंगे आप भी बोलिए, आप मेरे साथ कीजिए। सर्कल द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर गिवन बिलो। जिस जिससे हम लोग को वाटर मिलता है उसमें हम लोग को कलर करना है। चलिए, कहाँ से मिलता है? टैप, टैप से भी मिलता है ना। चलिए टैप को कलर करेंगे। पहले ये भी कलर करेंगे, पाइप को भी। टैप, टैप आप जानते हैं ना, आपके घर में भी नल लगा हुआ होगा, उससे भी पानी आता है। ये भी करेंगे, जिससे पानी आता है उसको हम लोग को कलर करना है। ठीक है, फिर इधर देखते हैं वाटर पंप। पहले आपकी मम्मी लोग से पूछिएगा, पहले एक वाटर पंप जिसको चपाकल बोलते हैं, चलिए इसको भी कलर करते हैं। पूरा पंप को भी कलर करेंगे। किसके किसके घर में ये पंप है, वाटर पंप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट है वेल। वेल मतलब कुआं। चलिए कुआं को भी कलर करते हैं पूरा। कौन सा कलर से कर रहे हैं हम लोग? स्काई ब्लू, क्योंकि पानी कौन सा कलर का होता है? स्काई ब्लू कलर का। पानी का कोई कलर नहीं होता ना, हम लोग स्काई ब्लू कलर का कलर कर रहे हैं। चलिए ये भी करेंगे। किसके किसके घर में कुआं है वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है लेक। लेक मतलब झील। चलिए इसको भी कलर करते हैं, झील को। झील में क्या कर रहा है गाय? पानी पी रहा है। पानी पी रहा है ना गाय, काउ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉड। पॉड मतलब तालाब। तालाब में कौन रहता है? बत्तख। चलिए इसको भी कलर करते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपके घर में ये पांच में से कौन सा सबसे नजदीक है या घर में है। देखिए कलर कर लिए ना। आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ये वर्कशीट कॉपी में भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं ट्रेस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। आइस, आइस भी वाटर बन जाता है ना। चलिए इसको ट्रेस किया हुआ है, इसको हम लोग करेंगे पेंसिल से। देखिए हो गया ना फर्स्ट आइस। चलिए दो और है, उसको भी करते हैं ट्रेसिंग। ये भी वर्कशीट आप आराम से कॉपी में कर सकते हैं। देखिए फिर क्या है, वाटर वेपर मतलब सीटी से जो भाप निकलता है ना वो भी पानी होता है। चलिए इसको भी ट्रेस करते हैं। आराम आराम से करेंगे। देखिए हो गया ना लास्ट। हो गया, चलिए नेक्स्ट लास्ट है वाटर। वाटर का भी ट्रेस करेंगे। था ना सिंपल। चलिए नेक्स्ट भी करते हैं। कहते हैं स्पॉट फाइव डिफरेंट इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड सर्कल देम। ये पिक्चर है, ये फर्स्ट पिक्चर है,
ये सेकंड पिक्चर है। अब ये दोनों पिक्चर में कौन सा यहाँ पे नहीं है उसको हम लोग को 5 खोजना है। कितना खोजना है? 5। पहले देखते हैं क्या ये कछुआ है? यस। ये पत्थर है? यस। फिर ये सीप है? नो। चलिए इसको सर्कल करेंगे, यहाँ सर्कल करेंगे सीप जगह में, फिर यहाँ पे भी सर्कल करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये? स्टार। स्टार है? नो। चलिए स्टार भी सर्कल करते हैं, फिर यहाँ स्टार भी सर्कल करेंगे। पत्थर है? यस। फिर ये घास उस है? यस। फिर क्या है ये? सीप है ना, लंबा सा, ये है? नो। चलिए इसको भी सर्कल करेंगे, यहाँ भी सर्कल करेंगे। फिर रेड फिश है? यस। फिर ये पर्पल वाला फिश है? नो। चलिए इसको भी सर्कल करते हैं। फिर ये घास है? नो। चलिए यहाँ भी सर्कल करेंगे, यहाँ भी घास को भी सर्कल करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि और कुछ है, देखिए आप डिफरेंट है कुछ और, काउंटिंग करते हैं 5 हुआ कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 मिल गया ना डिफरेंट। चलिए आगे करते हैं, ये भी मार्कशीट आप कॉपी में कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सर्कल द सोल्यूबल मटेरियल एंड क्रॉस आउट द इनसोल्यूबलेबल मटेरियल। अगर बोलने में मेरे से गलती हुआ होगा इसलिए माफ़ कीजिएगा। इसमें देखेंगे जो घुलनशील मतलब घुल जाता है पानी में, जैसे घुल जाता है ना, अगर जो होगा उसको क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। जो नहीं घुलेगा उसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेंटिंग पेंट है ना, पेंट्स घुलता है ना। यस, इसको सर्कल करेंगे। स्टोन घुलता है पानी में, घुल सकते हैं इसको? नो। इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। फिर क्या है? वुड लकड़ी घुलता है? नो। चलिए इसको भी क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ट, नमक घुलता है ना पानी में। चलिए इसको सर्कल करते हैं। सुगर चीनी घुलता है ना। यस, इसको भी सर्कल करते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक्स घुल लेगा? नो। चलिए इसको क्रॉस करेंगे। था ना इंटरेस्टिंग सारा। और एक करते हैं लास्ट है राइट एन फॉर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड ए फॉर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या है? ये आर्टिफिशियल है ना, इसको हम लोग बनाए हैं तब जाके ये लाइट जलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सन ये अपने रोशनी देता है, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल। एन टेलीविजन भी होगा ना, इसको भी हम लोग मैंने बनाए हैं ना कोई, ये अपने से तो रोशनी नहीं देता है, तो क्या होगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। ये भी क्या है?
ए होगा ना आर्टिफिशियल है, क्या है फायरफ्लाई जुगनू, जिसका भी अपना से है ना लाइट अपने आता है, इसमें एल लिखेंगे, फायर मतलब आग, ये भी अपने से जलता है ना, इसमें भी एन लिखेंगे, नेचुरल है ना ये बल्ब, इसको भी हम लोग बनाए हैं तब ये जलता है, तो क्या हो जाएगा ए आर्टिफिशियल। कैंडल, कैंडल भी हम लोग जलाते हैं अपने से जल जाता है ना, तो ये भी होगा एन। टॉर्च, टॉर्च जिस हम लोग जलाते हैं ना, तो ये क्या होगा, इसमें हम लोग बैटरी डालते हैं, तो ये हो गया ए। आज के ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा सो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।